अष्टभाव जागृत करते। साईं अष्टभाव जागृत करते हैं। साईं के पास जो भक्त आध्यात्मिक कामना से जाता है, साईं उसका आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। वे भक्त के मन में भक्ति का भाव पैदा करते हैं। साईं के दर्शन प्राप्त करते ही भक्त के कदम ठिठक जाते हैं, शरीर पसीने से तर बतर हो जाता है, हृदय में खुशी की लहर दौड़ने लगती है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, शरीर में कंपन होने लगता है, चेहरे पर पीलापन छाने लगता है, आंखों से आनंदाश्रु बहने लगते हैं और मानसिक तौर पर वो चेतना शून्य होकर भक्ति में लीन हो जाता है। तो आइए, साईं अष्टभाव कैसे जागृत करते हैं इसका गायन और पारायण करते हैं। सदगुरु हाथों सौंप दो निज जीवन की डोर, जाना तुझको है जहां ले जाते इस ओर, सागर से संसार में साई है एक नाम, होता नाव सवार जो मिलता उसको ठाम, ऋण आस्था विश्वास से देखो उनकी ओर, छटता तम अज्ञान का होती नूतन भोर, खुशियां ढलती कंठ में और गला अवरोध, बहते आंसू प्रेम के मन को करते शोध, होने लगता है में अष्टभाव उन्मेष, फिर आध्यात्मिक मार्ग पर चलते भक्त विशेष, जैसे चुंबक खींचता साई लेते खींच, देखो उनकी खासियत अमृत देते सींच, साई दर्शन मात्र से जगते हैं कुछ भाव, सात्विक परिवर्तन घटे तन पर पड़े प्रभाव, अष्ट भाव के नाम से शास्त्रों में पहचान, इन तत्वों के ज्ञान को गहराई से जान, साई की छवि देख कर थम जाते जब पाव, आती है गतिहीनता ये है पहला भाव, साई सूरत देख कर बहे स्वेद का श्राव, तर हो जाता तन बदन ये है दूजा भाव, आता है रोमांच तो बहे खुशी की नाव, साई दर्श का तीसरा पुलकित करता भाव, वाणी होती मौन तो शब्द ढूंढते काम, कुछ भी कह सकते नहीं ऐसा चौथा भाव, तन में कंपन हो शुरू पल पल ले फैलाव, साईं दर्श से भक्त में जागे पंचम भाव, साईं छवि से हो अगर हाव भाव बदलाव, पीत रंग सूरत दिखे जगता षष्टम भाव, साई की छवि देख कर तिल तिल बढ़ता चाव, आंखों से अश्रु झरे ऐसा सप्तम भाव, साई सूरत देख कर दिखे धूप ना छाव, चेतन सारा शून्य हो ये है अष्टम भाव, आते ये बदलाव तो इतना निश्चित मान, आध्यात्मिक पथ की
विष मार्ग पर मोड़ना साईं का ही श्रेय। चार लक्ष्य से पूर्ण हो हर जन की यह आस, साईं कृपा से फले सब कारण विश्वास। ईश मार्ग पर चल सके इसकी राहें चार, ज्ञान भक्ति व योग सहित अपना कर्म सुधार। अलग अलग है रास्ते मंजिल के पथ चार, चलो किसी भी राह पर पहुँचो प्रभु के द्वार। हो सकते हैं पथ अलग मंजिल सबकी एक, नमन करो शीश को दोनों घुटने टेक। शिरडी साई द्वार से जाती है एक राह, भगवद प्राप्ति के लिए मन में हो गर चाह। सदगुरु साई की कृपा करुणा की बरसात, भेंट कराते हैं वही ईश्वर से साक्षात। मिलती जग में खाइया कहीं कंटीली डाल, फूक फूक रखना कदम यही परीक्षा काल। हरे भरे सी घास में कांटे छिपे हजार, आगे बढ़ने के लिए रहो सदा तैयार। चलते रहना है सदा हर बाधा को झेल, आए जो कठिनाइयां उनको दूर ढकेल। भक्ति मार्ग पर जो चले होता बेड़ा पार, यही मार्ग ले जाएगा तुझको प्रभु के द्वार। श्रद्धा भक्ति प्रेम से कर महिमा का गान, दिव्य शक्ति के योग से सबका हो कल्याण। दिन दूनी निश चौगुनी फैले कीर्ति बेल, पग पग महिमा साईं